यार फॉरेन में पढ़ने का सपना था, पर फीस आसमान से भी ऊंची है। सालों में जमा किए 50 लाख भी कम पड़ेंगे। मैडम ये बोलने से पहले एटलीस्ट थोड़ी रिसर्च तो कर लेती। मतलब कि तू 50 लाख में मजे से फॉरेन में पढ़ सकती है, पर कैसे? स्वागत है आप सभी का एडुफन के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ 50 लाख रुपए में आप फॉरेन में पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 50 लाख रुपए में आप कुछ टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको अपना फॉरेन में पढ़ाई करने का सपना पूरा करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Why choose affordable universities? फॉरेन में पढ़ना मेजॉरिटी बच्चों का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल लिमिटेशन। अब्रॉड पढ़ने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, ट्रैवल, वीजा, इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज रेट भी आपके बजट पे असर डालता है, इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज को ही चुनें। सी, अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं है कि उनकी क्वालिटी कम, पर अफोर्डेबल का मतलब ये है कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिले, आपको सिर्फ वो ही फैसिलिटीज, फैकल्टी और एजुकेशन मिले जो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में मिलती है, जिनकी फीस करोड़ों में होती है। तो अब सवाल ये है कि अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज कैसे सिलेक्ट करें? तो इसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। फैक्टर 1, एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग्स। आपको ये देखना है कि यूनिवर्सिटी कौन से अथॉरिटी से अक्रेडिटेड है और उसकी रैंकिंग क्या है। अक्रेडिटेशन से आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कितने हैं, और रैंकिंग से आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन कैसी है। फैक्टर 2, रेंज ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड। मेक श्योर कि आप ये चेक करें कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपके इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो उसका करिकुलम कैसा है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और उसकी ड्यूरेशन क्या है। फैक्टर 3, फैकल्टी एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपको ये देखना होगा कि यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, उनका रिसर्च एरिया क्या है, और स्टूडेंट्स को उनके साथ रिसर्च करने का मौका मिलता है या नहीं। फैक्टर 4, ट्यूशन फीस एंड अवेलेबल स्कॉलरशिप्स। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले ध्यान से देख लें कि उसकी ट्यूशन फीस कितनी है और उसमें से कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कॉलरशिप से आप फीस और फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं। फैक्टर 5, लोकेशन एंड कैंपस फैसिलिटीज। आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन, वहाँ का वेदर, कल्चर और लाइफस्टाइल भी चेक करना चाहिए। चेक करें कि वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं और वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसी है। कैंपस फैसिलिटीज में आपको ये देखना है कि यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरी, लैब, स्पोर्ट्स क्लब्स, कैफेटेरिया, हॉस्टल्स और मेडिकल फैसिलिटीज जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें आप अपने चॉइस की यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो इन फैक्टर्स पर खरा उतरने वाली टॉप यूनिवर्सिटीज को जान लेते हैं। टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज अंडर 50 लाख। यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्ट्सबर्ग। यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्ट्सबर्ग जर्मनी में सिचुएटेड एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ये 1402 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये यूरोप की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। 2022 में इस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने वर्ल्ड वाइड 159th रैंक दिया था। और तो और इस यूनिवर्सिटी ने पूरे दुनिया को 14 नोबेल लॉरिएट्स दिए हैं। ये यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स ऑफर करती है फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, लॉ, इकोनॉमिक, नेचुरल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। और इन टोटल ये यूनिवर्सिटी 250 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करती है। इस यूनिवर्सिटी का बेस्ट पार्ट है कि यहाँ कोई ट्यूशन फीस नहीं, पर यहाँ स्टूडेंट्स को सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है जो कि अराउंड 11,000 से 12,000 रुपए ही होती है। इसके अलावा एकोमोडेशन, फूड, इन जैसे खर्चे होते हैं जिनकी एनुअल कॉस्ट आपको अराउंड 7,66,000 रुपए आएगी। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट की जरूरत होगी, जैसे हाई स्कूल डिप्लोमा और मार्कशीट, बैचलर्स डिग्री रिलेटेड टू द प्रोग्राम ऑफ इंटरेस्ट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट्स और मैंडेटरी एकेडमिक रिकॉर्ड्स।
सर्टिफिकेट ऑफ जनरल क्वालिफिकेशन फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आप जर्मन लैंग्वेज में प्रोग्राम करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम करना चाहते हैं, वैलिड पासपोर्ट कॉपी, हेल्थ इंश्योरेंस, और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जैसे रिकमेंडेशन लेटर्स, वर्क एक्सपीरियंस, मोटिवेशन लेटर्स एक्सेट्रा. सेकेंड, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम, एक और यूनिवर्सिटी जो आप अब्रॉड में पढ़ने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम. ये यूके की एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो 250 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 100 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करती है. लेकिन इसमें एडमिशन लेना बहुत टफ है. आपको हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और एलिजिबिलिटी और प्रो एफिशिएंसी प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट सबमिट करने होंगे. इसकी फीस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 15 लाख से 25 लाख रुपए पर ईयर. इसके अलावा पर ईयर एकोमोडेशन का खर्चा नियर अबाउट 4 से 7 लाख रुपए आ सकता है. थर्ड इज वोसेस्टर स्टेट यूनिवर्सिटी. वोसेस्टर स्टेट यूनिवर्सिटी 1874 में इस्टेब्लिश हुई. USA की पब्लिक लिबरल आर्ट्स और साइंसेज यूनिवर्सिटी है. ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज में से एक है. 2024 में इस यूनिवर्सिटी को बेस्ट कॉलेजेस एंड रीजनल यूनिवर्सिटीज नॉर्थ की रैंकिंग में 96 रैंक दिया गया है. इस यूनिवर्सिटी के 21 अकेडमिक डिपार्टमेंट्स, 60 अंडर ग्रेजुएट माइनर्स और मेजर्स, 29 मास्टर्स डिग्री, पोस्ट बैकलोरेट सर्टिफिकेट्स ऑफर करते हैं. ये प्रोग्राम्स आर्ट्स, साइंसेज, बिजनेसेस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, लैंग्वेजेस और मैनेजमेंट एक्सेट्रा जैसे अलग अलग फील्ड्स में ऑफर किए जाते हैं. इस यूनिवर्सिटी की एनुअल ट्यूशन फीस अराउंड 4 से 15 लाख तक जा सकती है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है. यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट सबमिट करने होंगे, जैसे कि सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स के साथ एक कम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, आपके सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड सारे ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट्स या ग्रेड रिकॉर्ड्स, एंड अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट या डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो नोटराइज्ड ट्रांसलेशन की जरूरत होगी. इसके साथ ही SAT या ACT स्कोर रिकॉर्ड और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए IELTS, TOEFL, Pearson, PTE, ITIN या IDIP की स्कोर रिपोर्ट. तो ये थे कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन जो आपके बजट में आ सकते हैं. लेकिन अगर आपको फीस और लिविंग एक्सपेंसेस को और कम करना है तो आप स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड का भी फायदा उठा सकते हैं. स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड्स, स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड्स आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि आपकी फीस को रिड्यूस या कवर करते हैं, आपके लिविंग एक्सपेंसेस को सपोर्ट करते हैं, आपके अकेडमिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, आपके रिज्यूमे को इन्हेंस करते हैं, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस एंड टिप्स, तो आपने देखा कि फॉरेन में पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपके बजट के अंदर आ सकती हैं. लेकिन अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे रिसर्च. आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपका इंटरेस्ट ऑफ प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी डेडलाइंस क्या है, उसकी फीस क्या है और क्या उसमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है एक्सेट्रा. सेकेंड, प्रिपेयर. आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हों, जैसे ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट्स, टेस्ट स्कोर्स एक्सेट्रा. आपको अपना एसे या रिकमेंडेशन लेटर भी लिखना या अरेंज करना पड़ेगा. थर्ड इज अप्लाई. फिर आपको यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा, और अगर एप्लीकेबल हो तो आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी. तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एप्लीकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन इस प्रोसेस में आपको कुछ टिप्स भी याद रखनी चाहिए, जैसे डेडलाइन से पहले अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज वे में रखें, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी एग्जैजरेट करके ना बोलें, और ट्राई करें कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन प्रोसेस आप कॉन्फिडेंट रहें. तो ये थी टॉप यूनिवर्सिटीज अंडर 50 लाख. हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे अभी लाइक, शेयर, कमेंट करें, और आपको अगर और भी गाइडेंस चाहिए तो हम यानी एडुफंड से कांटेक्ट करें. एडुफंड आपको फॉरेन में पढ़ने के लिए मदद करेगा. हम आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट प्रोग्राम्स, बेस्ट स्कॉलरशिप्स और बेस्ट लोन्स सजेस्ट करें, और आपके सपने को पूरा करने में आपका साथ देंगे.
तो अभी एडुफन की वेबसाइट को विजिट करें और हमें आपके सपने को पूरा करने का एक मौका दें।